हेलो। चलो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्शन। ठीक है, मीनिंग ऑफ इलेक्शन। जरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल हैव अ से इन हु शुड होल्ड पावर एंड हाउ द पावर शुड बी यूज्ड। क्या लिखा हुआ सर? बात इलेक्शंस की जा रही है, लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी कही जा रही है। इलेक्शंस का जो रोल है ना, वो डेमोक्रेसी की वजह से आया है। इससे पहले डेमोक्रेसी समझी गई है। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का, डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहाँ पर नॉर्मल पीपल को यानी पब्लिक को राइट होता है कि वो अपने लीडर को चूज करें। डेमोक्रेसी सिस्टम के अंदर नॉर्मल पब्लिक को राइट होता है, ये राइट होता है कि वो बता सके कि किस कौन ज़्यादा किसको वो पावर देना चाहते हैं और वो और कौन उसको पावर को कैसे यूज करे। ठीक है, तो इस तरह से किसी ना चूज तो करना पड़ेगा। तो इस चूज करने को इंसानों को, इस चीज़ को इलेक्शन कहते हैं। इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन चूज और इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, या तो डायरेक्टली करेंगे इनडायरेक्टली करेंगे। किस लिए? ताकि उसकी कंट्री को रन कर सके ना। तो इलेक्शन इज अ प्रोसीजर। तो इलेक्शन की एक प्रोसीजर है जहाँ पर पर्सन आर चूजन, यहाँ पर ऐसे लोग, यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंटेटिव चूज किए जाते हैं। सर कैसे चूज किए जाएंगे? भाई वोटिंग, उनको वोट देकर। वो क्या करेंगे? टू रिप्रेजेंट द वोटर, जिन लोगों ने वोट दिए हैं उनको वो रिप्रेजेंट करेंगे। और क्या करेंगे? कंट्री को, गवर्नमेंट को रन करेंगे, है ना। जनरली देर इज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन डिफरेंट कैंडिडेट्स। सर यहाँ पर बेसिकली कॉन्टेस्ट होता है, एक तरह से कॉम्पिटिशन होता है ना। अलग अलग कैंडिडेट्स होते हैं फॉर द सेम पोजिशन। दस इन द इलेक्शन देर आर विनर्स एंड लूजर्स। इस वजह से क्योंकि एक से ज़्यादा लोग होते हैं, तो यहाँ पर विनर्स भी होते हैं लूजर्स भी होते हैं। इन मॉडर्न सोसाइटीज इलेक्शन आर फॉट ऑन पार्टी लाइन्स। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल होल्डिंग सिमिलर व्यूज और बिलीफ। एनी पॉलिटिकल पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज गेटिंग अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं कि मॉडर्न टाइम में इलेक्शन है ना, पार्टियों के बीच में लड़ी जाती है। जो तो पॉलिटिकल पार्टी होती है, ये एक ग्रुप होता है लोगों का जिनके बिलीव्स या व्यूज सेम होते हैं, यानी कंट्री को रन करने के ही होते हैं। ठीक है, और ये पॉलिटिकल पार्टी, जो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है ना, ये कब जीतते हैं? जब इनको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ इलेक्शन अभी हम देखा डायरेक्टली सेलेक्ट कर या इनडायरेक्टली। इन दो तरहों से दो तरीके के वोट बन गए, वे दो तरीके के तरीके बन गए, है ना। तो पहले एक डायरेक्ट इलेक्शन जहाँ पे लोग वोट देते हैं, डायरेक्टली सेलेक्ट करते हैं। एक इनडायरेक्ट इलेक्शन जहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। तो पीपल फिल्टर डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू लोकसभा। हम लोग डायरेक्टली जो वोट देते हैं, जैसे अगर आपको मैं बताऊँ, अभी आपकी एज नहीं हुई है, आपके घर में एज हो गई है आपके पापा की मम्मी की, है ना। वो जब वोट, उनकी वोट देने की एज है, ठीक है, आपकी भी हो गई तो मुझे नहीं पता, है ना। तो वो जो वोट देने जाते हैं ना, तो वो सीधे प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट नहीं दे सकते। वो सीधे प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट नहीं दे सकते, ठीक है। तो सर वो किसके लिए देते हैं? सब वो जिसके लिए देते हैं उसको डायरेक्ट इलेक्शन, उसे उन्हें डायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। क्योंकि वो डायरेक्टली इसको वोट देते हैं ना, वो होते हैं लोकसभा के मेंबर, वो होते हैं लोकसभा के मेंबर। और क्योंकि हम सीधे लोकसभा के मेंबर्स को वोट देते हैं, हम जो इलेक्शन जो हम वोट देते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट वे ऑफ सिलेक्शन, है ना। और उनके थ्रू हम पीएम को सिलेक्ट करते हैं, उनके थ्रू हम सीएम को सिलेक्ट करते हैं। तो उनके थ्रू करते हैं ना, वो हम डायरेक्टली नहीं करते, इसलिए उस तरीके को हम कहते हैं इनडायरेक्ट वे। उस तरीके को हम कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। पढ़ते जरा, पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली इलेक्ट दे रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा। लिखा हुआ है जो हम लोग होते हैं इंडिया के, वो लोग कहाँ पर, कौन से लोग इलेक्ट करते हैं हम? तो पीएम इलेक्ट करते हैं? नहीं, हम लोग इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा। लोकसभा के मेंबर्स को हम क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नोन एज एमएलए, जिनको एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट, है ना। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा नोन एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपी और मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है, इनको ये भी कहा जाता है। अंडर द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम इलेक्शन आर
हेल्ड ऑन पार्टलैंड से सब पार्टियों के बीच में होते हैं। द पार्टी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेजिस्लेटर्स इलेक्ट द लीडर। और जिस पार्टी के ज़्यादा लोग मेंबर होंगे, जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा यानी लोकसभा में जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा मेंबर्स होंगे, फिर वो क्या करेंगे अपने चीफ मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को, फिर वो इलेक्ट करेंगे ऐसा किस पे भी है ना, जिस जिन चीज़ों के वोट हो रहे हैं। अगर सीएम के वोट हैं तो सीएम को इलेक्ट करेंगे, पीएम के वोट हो रहे हैं तो पीएम को। आप डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर सकते पीएम को, ठीक है। तो लिखा हुआ है डायरेक्ट इलेक्शन। इंडिया हैज टू टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर, बोथ एट द यूनियन और स्टेट लेवल। दोनों तरह पर सेंट्रल लेवल पर भी है, स्टेट लेवल पर भी। एट द स्टेट लेवल ओनली सम स्टेट्स हैव सेकंड हाउस कॉल्ड विधान परिषद वगैरह। स्टेट लेवल पर जो सेकंड हाउस होता है वो बहुत कम जगहों पर है, वो मतलब कुछ ही जगहों पर है, जिसको बोलते हैं विधानसभा परिषद या विधानसभा, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल और द अपर हाउस है ना। एट द यूनियन लेवल द अपर हाउस इज ऑल्सो नोन एज राज्यसभा। यूनियन लेवल पर तो बिच इज अ परमानेंट हाउस, जो कि क्या होती है, परमानेंट हाउस होती है। द इलेक्शन टू बोथ हाउसेज एट द स्टेट एंड यूनियन लेवल इज इंडा। अब वहाँ पर राज्यसभा के लोगों को चूज करना, ठीक है, और विधानसभा के विधान परिषद के लोगों को चूज करना, ये इनडायरेक्ट तरीके करते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं देते हो। तो इन लोगों के जब आप इलेक्शन लड़ते हो तो ये क्या कह रहे थे, डायरेक्ट कह रहा था, डेट इज द रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाई द पीपल। ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हम डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते हैं हम, बल्कि जिन लोगों को इलेक्ट करते हैं ना, फिर वो इलेक्ट करते हैं आगे राज्यसभा के लिए, है ना। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इलेक्ट मेंबर्स ऑफ अपर हाउस, यानी जो हम लोकसभा के लोगों को इलेक्ट करते हैं, फिर लोकसभा के लोग इन अपर सभा अपर हाउस के लोगों को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हम उनको नहीं करते हैं, वो चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो चाहे वो स्टेट लेवल पर। इन द केस ऑफ लेजिस्लेटिव रिकॉर्डिंग चल रही है, चल रही है। इन द केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम अमंगस्ट पर्सन हुआ नॉट द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वो कह रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं ना, वो ऐसे लोगों से इलेक्ट किए जाते हैं जो खुद लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट नहीं होते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई, राज्यसभा में कितने लोग होते हैं, राज्यसभा में टोटल मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है 250 लोगों की होती है, ठीक है, जिसमें से 238 जो मेम्बर्स होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उनको चूज करती है, और जो बचे रिमेनिंग 12 उन 12 को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बेस पर। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ था नहीं, और आते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सब इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट के भी होते हैं और प्रेसिडेंट के भी होते हैं, इनके इलेक्शन कैसे होते हैं। इन बोथ द केसेस द इलेक्शन आर इनडायरेक्ट। सर ये भी इनडायरेक्ट है, हाँ आप डायरेक्ट मेरे को वोट नहीं दे सकते, हाँ आप जो डायरेक्ट वोट देते हो केवल अपने MPs को देते हो और MLAs को देते हो बस, और किसी को नहीं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाई द मेम्बर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। ओके सर, एक इलेक्टोरल कॉलेज नाम का एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट नहीं मतलब एक जगह, मतलब बेसिक ग्रुप ऑफ पीपल है जहाँ पे क्या है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज, जहाँ पर सर राज्यसभा और लोकसभा दोनों सभाओं के, राज्यसभा विधानसभा दोनों जगहों के क्या हैं, लोग हैं, है ना, यानी सर ये लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि सर ये लोकसभा में कितने लोग हैं ये तो बहुत मैटर करता है, हाँ मैटर करता है, इसलिए तो हम लोगों को वोटिंग की पावर दी गई है कि हम लोकसभा के अच्छे मेंबर्स को चूज़ करें। अगर हम अच्छे मेंबर्स को चूज़ करेंगे तो अब बाद में उन्हीं के डिसीजंस बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि सर इन लोगों में हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के लोग तो वोट देंगे ही देंगे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वोट देंगे, इंक्लूडिंग अगर नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी दिल्ली की बात की जा रही है, ठीक है, तो वो भी वोट देंगे, यूनियन टेरेटरीज हुई हैं वहाँ के लोग भी वोट देंगे, ठीक है। इलेक्शन, अच्छा रुको तो हम आगे आ गए, चलो उसको पढ़ लेते हैं, टेबली दीड में पढ़ते हैं थोड़ी, है ना। द इलेक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वो कह रहा है जो वोट होता है एक प्रोपोर्शन बेसिस पे होता है, यानी हर इंसान को एक ही वोट देने का राइट है, ठीक है,
लाइक द प्रेसिडेंट द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो डायरेक्ट। सर प्रेसिडेंट की तरह वाइस प्रेसिडेंट का भी वोट डायरेक्ट होता है। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। दो सेकंड, इन दिस इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेटर डू नॉट टेक पार्ट। ओके सारी सर, वाइस प्रेसिडेंट के सिलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का एंड स्टेट लेजिस्लेटर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, जरा ऊपर हमें कुछ चार्ट को देख लो, नहीं सर टेबल को पढ़ लें, क्या ये बताना चाह रहे हैं और हमें क्या समझना चाहिए। हम जो लोग हैं हम डायरेक्टली वोट किसको देते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। सर रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब लोकसभा के लोगों को, लोकसभा के मेंबर्स को। ठीक है, और हम फिर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लोकसभा के लोग होते हैं, ये गवर्नमेंट बनाते हैं। ये आगे राज्यसभा वगैरह में क्या करते हैं, राज्यसभा हुए, प्रेसिडेंट हुए, पीएम हुए, सीएम हुए, इन सब को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो उससे गवर्नमेंट बनती है। फिर ये गवर्नमेंट क्या करती है, फिर ये गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और वो लॉ किसे फॉलो करने पड़ते हैं, हम ही को फॉलो करने पड़ते हैं। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसे लोगों को चूज़ करें, क्योंकि सारी गाड़ी इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैं जब हम इन रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट दे रहे हैं तो हम इनको बोल देते हैं काफ़ी केयरफुल होना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंस पढ़ते हैं डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन में। पहला यहाँ पर हमें रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्टली वोट देते हैं, और यहाँ पे जो हम हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना उनके थ्रू हम लोगों को इलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यसभा का मेंबर हम डायरेक्ट वोट नहीं कर सकते, लेकिन हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जिसको चूज़ किया ना उसको हम ये राइट देते हैं कि तो राज्यसभा में जिसको चूज करा था कर ले। ठीक है, लॉ लॉ रेगुलेट द क्वालिफिकेशन, लॉ रेगुलेट द क्वालिफिकेशन एज एक्सेट्रा वोटर्स एंड एस्टेब्लिश एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर द स्टेट ऑफिसर्स। वो कह रहा है कि आपको डायरेक्ट इलेक्शन जब आप देखते हो ना तो आपके ऊपर कुछ लॉज लगते हैं, जैसे आपकी एज क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वोट देने के लिए। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ट्रीटेड एट पार। अब जिन लोगों ने जो लोग ऑलरेडी इलेक्ट हो चुके हैं लोकसभा में या फिर डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी, अब उन सबको एट पार, एट पर मतलब क्या, इक्वली समझा जाता है। एट पर मतलब क्या, इक्वली लिख लेना कहीं पर, एट पर मतलब इक्वली, उनको इक्वली समझा जाता है, आपकी उनमें डिफरेंस नहीं है। देर नो फर्दर क्वालिफिकेशन, कोई फर्दर क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर द स्टेट ऑफिसर इज सिमिलर टू दैट इन डायरेक्ट इलेक्शन, और सर जो रिक्वायरमेंट है वो सेम ही जैसे डायरेक्ट इलेक्शन में है। एवरी एडल्ट पर्सन होल्ड राइट टू वोट, हर एडल्ट इंसान के पास होता है राइट टू वोट। यहाँ पर एडल्ट से मतलब है एज ऑफ एटलीस्ट 18 है ना, और यहाँ पे जो लोग इलेक्टेड हैं उनको राइट होता है। देर इज अ वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वोटर्स कॉल्ड इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट सर यहाँ पर हम लोग की बॉडी होती है इसको हम इलेक्टोरेट बोलते हैं, यहाँ पर बहुत छोटी बॉडी होती है वोटर्स की। तो यहाँ पे 135 करोड़ की आबादी है, यहाँ पर 135 करोड़ थोड़े लोग आएंगे इलेक्टेड, यहाँ पर तो बहुत कम लोग आएंगे। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे जो है ये जो लोग हैं ये इनके थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल हुए, राज्यसभा के लोग हुए, प्रेसिडेंट हुए, वाइस प्रेसिडेंट हुए, इन सबको मैं डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये होमवर्क में टिक लगाओ। चलो बाद पहले पढ़ लें। जनरल इलेक्शन,
The elections held to elect members of the Lok Sabha after expiry of normal term of 5 years are called general elections. वो कह रहा है जनरल मतलब नॉर्मल जो नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं. तो नॉर्मल इलेक्शंस कब होते हैं? तो जब कोई जब किसी का टर्म एक्सपायर हो जाता है तो उसको दोबारा से उनकी जगह पर किसी नए को या उन्हीं को दोबारा से हम इलेक्ट करते हैं. तो उस तो ऐसे इलेक्शन को बोलते हैं जनरल इलेक्शन. लोकसभा का कोई मेंबर अगर एक्सपायर हो रहा है, उनका टर्म एक्सपायर हो रहा है बेसिकली, सॉरी वो नहीं, अब उनका टर्म अगर एक्सपायर हो रहा है नॉर्मल 5 ईयर्स का, तब दोबारा से इलेक्शन करने पड़ेंगे उनकी जगह पर उन्हें खुद ही या फिर उनकी जगह कोई और आएगा. तो ऐसे इलेक्शंस को बोलते हैं जनरल इलेक्शंस. ठीक है. इलेक्शंस ऑफ सम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज मे बी हेल्ड अलोंग विद द पार्लियामेंट्री इलेक्शन. वो करें कभी कभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बोर्ड जो होते हैं वो पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ साथ हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. अर्लियर पहले 1957 तक साइमल्टेनियस इलेक्शन वर हेल्ड फॉर बोथ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. वो करें 1977 तक तो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्शन होते थे वो साथ होते थे, उसके बाद नहीं. हाउएवर ऑन अकाउंट ऑफ अर्ली डिसमिसल ऑफ मिड टर्म इलेक्शन द टू गॉट ग्रेजुअली सेपरेटेड. बाद में मिड टर्म इलेक्शन की वजह से दोनों ही अलग अलग हो गए. ठीक है सर, ऐसा कहते हैं मिड टर्म तो जरा पढ़ते हैं मिड टर्म इलेक्शन के जगह बारे में. दिस टाइप ऑफ इलेक्शन इज हेल्ड. इस तरह का इलेक्शन होता है कब? When a state legislative assembly or Lok Sabha is dissolved before the completion of its full term. Okay, sir, नाम से समझ में आ रहा है मिड टर्म यानी फुल टर्म तो हुआ ही नहीं है किसी का. वो कह रहा है जब हम ऐसी जगह पर वोट देते हैं जहाँ पे लोगों का फुल टर्म एक्सपायर नहीं हुआ है, जैसे लोकसभा 5 साल के लिए लोगों को चूज करते हैं. ठीक है, तो लोगों के उन पर 5 साल अभी हुए ही नहीं है, वो उससे पहले उनका टर्म उससे पहले अब वो लोकसभा डिजॉल्व हो गए हैं ना, उसका कोई भी रीज़न हो सकते हैं. तब आप अगर डिजॉल्व हो गए ना लोग, अब आप वो उनकी जगह पर किसको और को सेलेक्ट करना पड़ेगा. तो ऐसे जब आधे टाइम के बाद जब इलेक्शन होते हैं पूरे टाइम होने से पहले, तो इस तरह के इलेक्शन को मिड टर्म इलेक्शन कहा जाता है. द न्यू हाउस विल नॉर्मली हैव अ फुल 5 ईयर टर्म. सर क्या ये रिमेनिंग टाइम के लिए बनेगा या 5 ईयर के लिए? सर द्वारा हम 5 साल के लिए चूज करेंगे, ऐसा नहीं कि अगर 2.5 साल बाद डिजॉल्व हो रही तो हम 2.5 साल के लिए चूज करें ना. हम 5 साल के लिए डिजॉल्व करेंगे, हम 5 साल के लिए न्यू सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, दिस इलेक्शन इज कॉल्ड मिड टर्म इलेक्शन. ठीक है, बाई इलेक्शन ये क्या होते हैं? When a seat held by any member of the legislative assembly in the central state falls vacant on account of death, resignation of the member before completion of his term, to fill this vacancy, the election which is held called by election. वो कह रहे हैं कभी कभी ना सीट खाली हो जाती है. सर क्यों सीट खाली होती है मेंबर्स की? उनकी डेथ हो गई, ठीक है, उन्होंने रिजाइन कर दिया. ठीक है, तो ऐसे केस में अब उनकी सीट अब उनकी जगह पे कोई काम करने के लिए तो होना चाहिए ना. तो ऐसे केस में ऐसे पर्सनों को इलेक्ट करते हैं. जब इलेक्ट करते हैं तो जो इलेक्शन होते हैं उस तरह के इलेक्शन को हम क्या कहते हैं? बाय इलेक्शन कहते हैं. ठीक है, वैकेंसी मतलब होता है खाली जगह, तो खाली जगह भरने के लिए जो वोट होते हैं उसको बाय इलेक्शन कहते हैं. द पर्सन हु इलेक्टेड रिमेंस द मेंबर फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म. अब ध्यान रखना सर, इंसान को हम पूरे 5 साल के लिए नहीं रखेंगे, इस एक इंसान को तो हम केवल रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए रखेंगे. यहाँ पे तो सभी लोग पूरे टाइम इलेक्शन ना, पूरे लोकसभा का पूरे राज्यसभा का वो होगा इलेक्शन. ठीक है, यहाँ पर तो केवल एक गिने चुने लोगों का होगा, जो लोग जा चुके हैं बस उन्हीं का होगा, तो उनको होगा रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए. ठीक है, इलेक्शन कमीशन अकॉर्डिंग चल रही है. इलेक्शन कमीशन क्या है? तो पहले समझ, इलेक्शन क्या है? इलेक्शन इज द बेस्ट वे टू विच वो बाय विच रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल कैन बी सेंट टू लेजिस्लेचर्स. वो है इलेक्शन एक बेस्ट तरीका है जिसके थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लेजिस्लेचर में यानी विधानसभा में भेज सकते हैं. ठीक है, इंडिया बींग अ फेडरल कंट्री मेक्स प्रोविजन फॉर होल्डिंग इलेक्शन बोथ फॉर सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर. वो कहते हैं इंडिया में एक सिस्टम है उसको फेडरल सिस्टम कहते हैं. तो यहाँ पर इलेक्शन ना, और ये सिस्टम है ना, ये हमें एक राइट देता है, एक प्रोविजन है इसके अंदर, एक लॉ लिखा हुआ है कि आप
इलेक्शंस दोनों लेवल पे करोगे, सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। हैंड इलेक्शंस नीड टू बी फ्री एंड फेयर विद वाइड पार्टिसिपेशन। तो कह रहा है इलेक्शन को तरीके से होना पड़ेगा फेयर एंड, है ना, फेयर एंड फ्री विद वाइड पार्टिसिपेशन, हर कोई पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है, हर कोई रिप्रेजेंटेटिव बन पाए। तो इन चीज़ों को फेयर हो, अच्छे से हो, इन चीज़ों को ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई तो बॉडी होनी चाहिए ना। तो इन सारे कीपिंग इन व्यू द ग्रेट इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्शन, इलेक्शंस के इंपॉर्टेंस को समझते हुए कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड डिटेल्ड प्रोविजन फॉर द फ्री एंड फेयर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन पार्ट 15 आर्टिकल 324 टू लेकर 329 में। तो मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स इंसर्ट कर दिए गए, एक मतलब प्रोविजन डाल दिए गए, है ना, जिसके थ्रू एक पावर मिली कि हमारे क्या हो, इलेक्शन हो, ये बहुत अच्छे से हो, ठीक है, बिल्कुल। तो सर ये अभी पावर ये राइट तो डाल दिया, इस राइट को फॉलो करवाने के लिए तो कोई होना चाहिए ना। तो राइट को फॉलो करवाने के लिए जिस बॉडी को बनाया गया उस बॉडी को बोलते हैं इलेक्शन कमीशन, उस बॉडी को क्या बोलते हैं इलेक्शन कमीशन, ठीक है, उस इंस्टीट्यूट को क्या बोलते हैं इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। तो आर्टिकल 324 क्लॉज 1 से लेकर 6 तक डील करते हैं कि इलेक्शन कमीशन बनता कैसे है और अदर रिलेटेड इशूज से। तो उसका जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है ना स्टैंड्स एट द टॉप इन द हायरार्की ऑफ द इलेक्शन कमीशन, यानी इलेक्शन कमीशन का सबसे टॉप पर जो हेड होता है उसका बोलना चीफ इलेक्शन कमिश्नर। द इलेक्शन कमीशन इज कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, इसमें अदर इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं। फ्रॉम 1952 टू 1989 या 39 के पीरियड में, 39 ईयर्स के पीरियड में क्या होता था, द इलेक्शन कमीशन वॉज अ सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये इस बॉडी के तो केवल सिंगल मेंबर हुआ करता था। बट इन 1989 द इलेक्शन कमीशन वॉज मेड अ मल्टी मेंबर बॉडी, पर बाद में मल्टी मेंबर बॉडी बन गया, यानी इसमें दो या दो से ज़्यादा कमिश्नर्स भी होने लगे। एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो एक होता ही होता था, वो तो चेयरमैन होते ही होते थे, वो सबसे टॉपर होते ही होते थे। तो सर इनको मिलाकर अब 10 एट प्रेजेंट, अब टोटल अब आज के डेट में देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन के अंदर 3 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड द अदर कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी सारे लोगों को प्रेसिडेंट चूज करते हैं। दिस इज डन एट द बिहेस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सर ये किसके लिए कहा किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर किया जाता है। सर ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है। द रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमिश्नर। सर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो भी प्रेसिडेंट ही चूज करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन के साथ को सलाह मशवरा करने के बाद। टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, सर कौन कितने टाइम के लिए बनता है ये तो बताओ, उनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, वो कितने टाइम तक इलेक्ट किए जाते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास एन एक्ट इन 1944 इज लेड डाउन इन आर्टिकल 2, 324 क्लॉज 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर दिस एक्ट द टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर कमीशनर फॉर डिटरमेंट। वो कह रहे हैं कि 1994 में पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया, ठीक है, और उस एक्ट को बनाने के बाद आर्टिकल 624 क्लॉज 5 से मिली। उस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है ये चीफ कमीशन ऑफिसर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है बेसिकली, और अदर कमिश्नर्स हैं, इनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, इनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, उनके सर्विस कंडीशंस क्या क्या होंगे, वो सारे सेक्टर में लिखी हुई है, सब उधर हमें बताओ, वो यहाँ पे लिखी हुई है। देर अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स, इनको 6 साल के लिए चूज किया जाता है। ड्यूरिंग द स्टैंडर्ड दे अटेंड द एट द एज ऑफ 65 ईयर्स, दे शैल वेट फॉर ऑफिस ऑन द डे ऑफ अटेंडिंग दिस एज। लेकिन सर 6 साल पूरे होने से पहले अगर उनके 65 हो गए तो उनको रिटायर, वो रिटायर हो जाएंगे, उनको अपनी जगह खाली करनी पड़ेगी, ठीक है, उनको रेजिग्नेशन देना होगा, वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। द सैलरी ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर सच कमिश्नर शैल बी इक्वल टू द सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, इनकी जो सैलरी होगी वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगी, ठीक है। दे आर ऑल्सो एंटाइल्ड टू पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, सो जब रिटायरमेंट हो जाएंगे उसके बाद उनको कुछ अमाउंट मिलेगा जिसको पेंशन बोलते हैं। एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द चीफ इलेक्शन कमीशनर एंड अदर कमीशनर शैल बी डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द मेजोरिटी ओपिनियन। सर टोटल तीन तीन लोग हो गए, ठीक है, चीफ चीफ कमिश्नर ऑफ कमिश्नर, चीफ इलेक्टर इलेक्शन कमिश्नर और दो अलग। सर तीनों में अगर तीनों के पॉइंट अलग अलग है तो उसकी बात मानी जाएगी जिस जो मेजोरिटी हो, यानी दो लोगों का अगर पॉइंट, अगर दो लोगों का
पॉइंट अगर एक जगह पर होता है तो वो टॉपिक तो उसी चीज डिसीजन को फिर में लिया जाएगा, ठीक है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के पास क्या पावर है, क्या वो उनके रोल्स हैं, जरा पढ़ते हैं। द इलेक्शन कमीशन हैज वाइड रेंजिंग पावर्स अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट एक्ट 1996। इस एक्ट के थ्रू इनको काफ़ी सारी पावर मिलती है, ठीक है। ये पावर मतलब राइट्स होता है, काफ़ी सारे राइट्स इनको मिलते हैं। और फंक्शंस क्या कर रहे हैं, द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन से विद रेस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड टू लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट एंड ऑफ इलेक्शन ऑफ द टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट गिवन फॉलोज। मतलब कह रहा है सेम पर्सन के फंक्शंस क्या हैं वो एज फॉलोज हैं, ठीक है। पहला, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। मतलब लिखा हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो प्रोवाइड करता है वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ऐसा नहीं है कि आप आगरा में हैं तो आपने आगरा में है तो आपने आगरा के एमपी को वोट दे दिया, आप यहाँ से जाके फिर मथुरा में जाके मथुरा में आके आप एक एमपी को वोट दिया, फिर आप जाके दिल्ली में आके एमपी को वोट दिया, फिर आप जाके मतलब इंडिया में हर जगह पर आके अलग अलग लोगों को वोट दे दिया। नहीं, केवल जनरल इलेक्टोरल रोल है, केवल वन फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। आप कहीं पर भी दो लेकिन एक ही दे पाओगे, कहीं पर भी दो बस एक ही दे पाओगे, ठीक है। इलेक्टोरल रोल कैसा, एन इलेक्टोरल रोल इज अ वोटर्स लिस्ट। इलेक्टोरल रोल क्या, एक लिस्ट है जहाँ पर नेम लिखा होता है, फादर्स नेम लिखा होता है, एज लिखा होता है, जेंडर आपका लिखा होता है, ठीक है, वोट करने वाले का। दीज इलेक्टोरल रोल्स आर अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये अपडेट होता रहता है टू प्रोवाइड फॉर न्यू एंट्रेंट सर। अब नए नए लोग 18 ईयर्स के होते आएंगे तो उन लोगों की होगी तो इस लिस्ट में अपडेट करना होगा, तो अपडेट होती रहती है। और डेथ, अगर किसी की डेथ होगी तो वो नाम हटने भी चाहिए, तो वो भी होती रहती है, तो इसमें चेंजेस आते रहते हैं। ये जो कमीशन है यानी ये जो बॉडी है, ये आइडेंटिफाई करती है एलिजिबल वोटर्स को इन दी एच कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर जगह पे जा जाके आइडेंटिफाई करते हैं एंड प्रिपेयर्स द लिस्ट ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स, और एलिजिबल वोटर्स की लिस्ट बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड वोटर सिस्टम। इन ऑर्डर टू कैरी आउट दिस फंक्शन द फोटो आइडेंटिटी कार्ड फॉर एवरी वोटर इज इशूड। सो ये सारे काम करने के लिए फोटो आईडी कार्ड इशू किया जाता है। दिस प्रिवेंट्स फ्रॉडुलेंट वोटिंग बाय इम्प्रिजनेटर्स, साथ ही साथ जो इम्पर्सोनेटर्स यानी कोई नकली लोग बेसिकली ना वोट देते हैं, अलग अलग नाम रख के, रियल नाम तो एग्जिस्ट करते ही ना हो, बस अलग अलग नाम दे दिया, चार पाँच वोट दिया तो गलत है। एक फोटो आईडी प्रूफ भी होनी चाहिए, उनकी फोटो थोड़ी समय के अलग होगी। रजिस्ट्रेशन एंड रिकग्निशन ऑफ पोलिटिकल पार्टीज, इन इलेक्शन कमीशन ग्रांट्स रिकग्निशन टू पोलिटिकल पार्टीज। वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ही है जो पोलिटिकल पार्टीज को परमिशन ग्रांट करता है। अलाटमेंट ऑफ सिंबल्स, अलाटमेंट ऑफ सिंबल्स मतलब कि आपने देखा होगा भाजपा का कमल, किसी की साइकिल, किसी का हाथ, किसी का हाथी, है ना, तो ये सिंबल्स होते हैं। ये सिंबल्स अलाट कौन करते हैं, मतलब सजेशन तो बेसिकली पार्टी देंगे लेकिन इनको सिंबल्स को यूज करने की परमिशन भी कौन देता है, कमीशन ही देता है। द इलेक्शन कमीशन अलॉट ऑफ सिंबल्स टू रिकग्नाइज पोलिटिकल पार्टी एंड द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन। द कमीशन में हैव सम सिंबल्स, जो द कमीशन में हैव सम सिंबल्स एज रिजर्व एंड अदर्स एज फ्री। कभी कभी सिंबल्स इनके पास रिजर्व होते हैं या कभी कभी फ्री भी होते हैं। द इलेक्शन कमीशन रिकग्नाइज अ पोलिटिकल पार्टी अलॉट इट्स अ रिजर्व कॉमन सिंबल। द पोलिटिकल पार्टी यूज द सिंबल फॉर ऑल कैंडिडेट्स एज पर्सनल राइट। ऐसा नहीं कि सर जैसे मतलब इनका कहने का मतलब है कि एक पार्टी में है तो एक पार्टी में जितने भी लोग ऐसे लोअर से लेकर ऊपर लेवल तक सबों को एक ही सिंबल यूज करना होगा, ठीक है। द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और नॉन रजिस्टर्ड पोलिटिकल पार्टी कैन सेलेक्ट अ सिंबल ऑफ देयर चॉइस ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फ्री सिंबल्स। सर ये जो फ्री जो लिस्ट होती है वहाँ पे आके कोई भी अपने मर्जी से सर्च कर सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ स्प्लिट इन अ पोलिटिकल पार्टी द इलेक्टोरल इलेक्शन कमीशन वेरीफाइज क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स एंड मे फ्रीज द रिजर्व सिंबल। इट आस्क्स द फैक्शंस टू चूज सम अदर सिंबल्स। कभी कभी सब पार्टी डिजॉल्व हो जाती है, पार्टी मतलब दो पार्टी में डिवाइड हो जाती है, तो ऐसे केस में सब कौन कौन सा सिंबल लेगा, तो इस चीज़ का डिसीजन भी यही लेते हैं, ठीक है। फिक्सिंग डेट्स एंड कंडक्टिंग इलेक्शन, डेट को डेट फिक्स करना, इनको कंडक्ट कराना, ये सारे अरेंजमेंट भी ये इलेक्शन कमीशन ही करता है, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन फिक्सिस डेट्स फॉर इलेक्शन, ये डेट फिक्स करता है।
अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट डिसाइड्स एज टू व्हेन द इलेक्शन शुड बी हेल्ड। द फिक्सिंग ऑफ एग्जैक्ट डेट्स रेस्ट विद द इलेक्शन कमीशन। मतलब सर किस महीने में होना है क्या होना है ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन किस डेट पर होना है एग्जैक्ट ये इलेक्टोरल इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। द कमीशन स्टेट्स द रीजन फॉर होल्डिंग और नॉट होल्डिंग द इलेक्शन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। सर वो उस पर्टिकुलर डेट पर या पर्टिकुलर पीरियड में क्यों करना चाह रहे हैं या किसी और पीरियड में क्यों नहीं करना चाह रहे, उसका रीजन भी वो देते हैं। ठीक है, यानी फिर मन की होती है मेरा माने तो कर दो, नहीं रीजन होना चाहिए कुछ ना कुछ। द इलेक्शन कमीशन में रेफ्यूज टू होल्ड इलेक्शन एट पर्टिकुलर ड्यूरेशन। कभी कभी इलेक्शन कमीशन मना भी कर सकता है कि नहीं इस टाइम पे तो हम इलेक्शन नहीं करेंगे, उसका कोई ना कोई रीजन हो सकता है। ठीक है, टू एंसर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इवन इफ द पोलिटिकल पार्टी इज इंसिस्ट ऑन हैविंग इलेक्शन एट दैट पर्टिकुलर पीरियड। अगर कोई पार्टी कह रही है कि इस पीरियड तो कर लो, नहीं इलेक्शन कमीशन को अगर सही नहीं लगा तो वो नहीं करेगा। ठीक है, उसके पास से पावर है। इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्शन सही तरह से हों, कोई इसमें चीटिंग ना हो, ये चीज़ का भी ध्यान रखना इन्हीं का काम है। द इलेक्शन कमीशन हैज़ टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। द कमीशन प्रिस्क्राइब्स अ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब एक तरीका, एक रूल बुक है ना, रूल्स बेसिकली फॉर द गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स एंड द अदर ऑल अदर कंसर्न, है ना, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो और जो रिलेटेड लोग हैं वो भी, कि इलेक्शन किस तरीके से होते हैं किस तरीके से नहीं होते हैं वो एक तरीका बताते हैं ये कमीशन, है ना। इन एडिशन द इलेक्शन कमीशन टेक्स द फॉलोइंग स्टेप्स टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सर कमीशन कुछ करती भी क्या करती है, मे सेंड सेंट्रल ऑब्जर्वर्स टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर देयर इज अ डेंजर ऑफ वायलेंस और बूथ कैप्चरिंग। जहाँ पर लग रहा है कि वोट की वजह से लड़ाई वगैरह हो सकती है तो ये सेंट्रल अपने ऑब्जर्वर्स को भेजते हैं पता करने के लिए। दिस इज डन टू एंश्योर दैट सिटीजंस कैन वोट फ्रीली विदाउट फेयर। इसलिए ऐसा किया जाता है कि जो सिटीजंस है ना वो बिना डर के वोट दे सकें। द कमीशन काउंटर मांड्स पोलिंग इट हैज रीजन डाउट दैट सम मेल प्रैक्टिस होता है। पोलिंग भी हो जाती है जहाँ पे लगता है मेल प्रैक्टिस हो रही है, मेल प्रैक्टिस मतलब क्या गलत सिस्टम हो रहा है। इन टर्म्स ऑफ रिसेंट अमेंडमेंट टू द रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट द कमीशन प्रेस्क्राइब सिविल पनिशमेंट फॉर बूथ कैप्चरिंग। अगर कोई किसी की जगह हड़प लेता है तो उनके लिए पनिशमेंट भी है। आपको पोलिंग ऑफिसर सब पोल जो होते हैं यहाँ पे पोल लगता है बेसिकली बूथ कैंप, तो वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं उनको सेलेक्ट करने का काम भी नहीं होता है। द इलेक्शन कमीशन अपॉइंट्स पोलिंग ऑफिसर फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंसी। द दिस प्रोसेस इज सेट इन टू मोशन एज सून एज नोटिफिकेशन फॉर द कंट्री ऑफ इलेक्शन वेट। लेकिन सर ये सारा काम तभी होता है जब इलेक्शन की डेट डिसाइड हो जाती है ना, इलेक्शन का नोटिफिकेशन आ जाता है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी पुट अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ एन ऑफिसर नॉट लेस देन द रैंक ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और मजिस्ट्रेट। यानी जो इंसान चीज़ों को संभालता है उसको आप किसी DM से या किसी मजिस्ट्रेट से कम नहीं समझोगे, उसकी रैंक डिप्यूटी कमिश्नर या फिर DM के बराबर ही मानी जाएगी। ठीक है, द ऑफिसर इज डेजिग्नेटेड एज अ रिटर्निंग ऑफिसर। इस ऑफिसर को क्या बोलते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर बोला जाता है। इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिक्लेयर कैंडिडेट फिट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। इस ऑफिसर का ये भी होता है कि वो ये भी देखे कि ये जो बंदा इलेक्ट इलेक्शन पार्टिसिपेट करे क्या वो फिट है या नहीं है, मतलब इलेक्शंस के लायक है या नहीं है। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ पोलिंग बूथ्स एंड कंट्री काउंटिंग सेंटर्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड। तो ये लोग भी इलेक्ट किए जाते हैं, अभी हम इतना ही करते हैं। ठीक है, बाकी हम कल ख़त्म करेंगे इसको।